Hello, MG. I'm here. Open sunroof. Hello, MG. Hi, how can I help? Open driver's side window. Okay, window on driver's side is open. Hello, MG. I'm here. Close sunroof. Hello, MG. I'm listening. Close driver's side window. Window on drive side is closed. Thank you, MG. Welcome, Shikhar. So what's up, guys, and welcome back to the channel. This is Shikhar, the beard biker, and बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आज के दिन मुझे एक जगह पे होना था अपनी बाइक के साथ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. बुकिंग्स वगैरह भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन वांदे लग गए हैं भाई. वांदे लाइफ में ना टंटे हर लेवल पे होते हैं हमारे, और ऐसे ऐसे टाइम पे और ऐसी ऐसी चीजों के साथ होते ना, हम सोच भी नहीं पाते. वी वर सो हैप्पी अभी कुछ दिन पहले तक, एंड आज के दिन हम ना फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से. हम ना मतलब किलस चुके. फ्रस्ट्रेटेड भी ना एक बहुत छोटा वर्ड हो गया हमारे लिए. मतलब हमारी जिंदगी कुछ नहीं बचा हमारे पास करने के लिए. मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, लाइफ इज लाइक अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं. पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, कब तक ऐसे चलेगा. अच्छा, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे शुरू करूं, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन. आपने वीडियोस पे बहुत प्यार दिखाया है, एंड उतना ही प्यार आप सब्सक्राइब करके भी हमें दिखा सकते हैं. सब्सक्रिप्शन अभी फ्री है, बिकॉज अभी जैसे होम अरेस्ट वाला सिचुएशन चल गया है ना, तो उस हिसाब से अभी हो सकता है कि YouTube आपके ऊपर चार्जेस लगाना शुरू कर दे सब्सक्राइब करने के, फिर आप कर नहीं पाएंगे. तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, एंड अगर नए नहीं हैं तो भी कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, आप बास फोटोस वालों से सब्सक्राइब करा सकते हैं. इट्स नॉट बैड टू सब्सक्राइब टू योर ब्रदर्स चैनल मैन, ओके. सो थिंक अबाउट इट. फिलहाल बात है कुछ ऐसी की, थैंक यू सो मच पुरानी वीडियोज पे प्यार दिखाने के लिए. एंड यस, हम लोगों को कहीं जाना था, वो नहीं हुआ, जो भी है ठीक है, वो छोड़ते हैं. मैं एक बहुत अच्छी चीज बता दूं कि आई हैव रेड वन कमेंट, में से एक कमेंट आया मेरी लास्ट वीडियो पे, जो था एक ब्रो, आई फॉरगॉट योर नेम, आई विल पुट हिज कमेंट हियर. उनकी कमेंट ये थी कि ही इज इन कैनेडा राइट नाउ, और आई एम नॉट श्योर अगर वो कैनेडा के ही रेजिडेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक ही इज स्टडिंग और वर्किंग इन कैनेडा. एंड ही कमेंटेड कि मैं अपने लिए या अपने शायद पेरेंट्स के लिए जब मैं कार लेने आऊंगा इंडिया में, आई विल डेफिनेटली गेट द प्रोटेक्शन डन फ्रॉम द ऑलवेज ड्राई, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स विच ही हैज सीन इन द वीडियो एंड ऑन माय रिकमेंडेशन. सो ये एक प्यार है, ये एक बॉन्डिंग है जो हमारी आप लोगों से बनी होती है. आप लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर होता है, एंड बिलीव मी, विल नेवर रिकमेंड यू द बैड स्टफ आउट देयर. एंड थैंक यू सो मच ब्रो, आपने इतनी बड़ी बात कही मेरे लिए. मतलब कई लोगों के लिए होगा कि भाई एक कमेंट ही तो है या कुछ, बट नो, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑन दिस. थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. फिलहाल बात करते हैं गाड़ी के बाहर जाके. गाड़ी के अंदर तो बहुत बात हो गई, क्यों चले, तो चलो. तो यस, वेलकम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. तो ये है कुछ कार का अगर मैं बोलूं साइड प्रोफाइल. दिस कार लुक्स ह्यूज. काफी लोग कह रहे थे फलाना क्यों नहीं ली, फलाना क्यों नहीं ली, फलाना आने वाली थी वो ले लेते, फलाना आ चुकी थी वो ले लेते. मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी जो दिखने में भी बड़ी हो, अंदर से स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो,
तो अगर मैं बात करूं कि इसके कंपैरिजन में अभी मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, तो देर इज नथिंग। यस, सेगमेंट के आसपास बहुत सारी हैं, बट इस प्राइस रेंज में, इस साइज और स्पेस के साथ कोई और गाड़ी नहीं है। यू जस्ट गो आउट, एक्सप्लोर एंड देन यू विल एग्री विद मी, बिकॉज जब हम कुछ लेते हैं पूरा ना एक रिसर्च करके लेते हैं कि मैं इस गाड़ी का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कर सकता हूँ। चलो ये तो खैर बात रही गाड़ी की, अभी हम फिलहाल गाड़ी की बात नहीं करने आ रहे, हम ये बात करने आ रहे हैं कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ। उसके लिए बाइक देखना जरूरी है, बाइक दिखा के बात करेंगे। सो आई थिंक इट्स टाइम टू हेड टूवर्ड्स माय बाइक। तो यस, ये है बाइक। तो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था वो हमारी है बाइक। जो प्यारी प्यारी बाइकें हैं, दो NRR को देखने को मिल रही होंगी, ये दोनों जा रही थी हमारे साथ, मतलब जो हमारा ग्रुप था उसके साथ एक पर्टिकुलर जगह पे। बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं क्या बोलूं कि हर चीज नेगेटिव होती जा रही है अपने आप, अगर हम कुछ भी प्लान करते हैं। बट यस, आई थिंक हर चीज जो होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है। अब हर चीज के पीछे रीजन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी गलत चीज लगती है हमें कि भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। बट एज द टाइम गोज आपको पता चलता है कि यार ये चीज सही थी, उस टाइम ये डिसीजन लिया ये सही था। बिकॉज जो भी डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिया होता है, मेरा मानना यह है कि वो हमेशा 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 सही होता है, क्योंकि चाहे वो आगे जाकर रिजल्ट पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, आपको अपनी लाइफ में बहुत चीजें सिखा जाता है। और जिंदगी में जब तक आपको सीखेंगे नहीं तब तक आप उससे आगे बढ़ेंगे नहीं। सो वट एवर द डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ इज सपोज टू बी द बेस्ट, अगर आप मेरी बात थोड़ा बहुत समझे हो तो। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बोली थी एंड में कि मेरी बाइक के साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो वो मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ, जो इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया, टाइटल में भी लिखा हुआ है, वो ये है कि हम लोग अपनी बाइक्स को लेके एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पे रिसोर्ट की एंट्री में वी हैव हर्ड कि इफ इट रेन्स, विच इज बीइंग ऑलरेडी जो हो रहा है वहाँ पे, द पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन देयर हु हैव इन्फॉर्म्ड अस कि जब वहाँ बारिश होती है तो वो दैट पर्टिकुलर छोटा सा पैच है, एक एरिया है वहाँ पे जो रिसोर्ट की तरफ आपको लेके जाता है, दैट इज पूरा वो कच्चा है, दैट इज नॉट बिल्ड अप प्रॉपरली। तो वो बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, बाइक्स नहीं निकलेंगी। एंड प्लस कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है हमारे इन एंड अराउंड सराउंडिंग्स में, हम देख रहे हैं वी आर बीइंग हेल्ड अप, वी आर बीइंग सेड टू स्टे इन आवर होम्स। समझ सकते हो किस चीज के बारे में बात करूं, वी आर नॉट अलाउड टू टेक द नेम्स बिकॉज आई हैव वॉच मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स, वो कहते हैं कि यार उस पर्टिकुलर टर्म को बोलने के बाद बहुत वीडियो में ये प्रॉब्लम आ गई, मोनेटाइज डीमोनेटाइज हो गई, ये हो गया वो हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गई, हमारी तो वैसे ही इतनी रिस्ट्रिक्टेड है और उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। सो यस, दिस इज द रीजन। एक जो बंदा था हमारा अपार्ट फ्रॉम दिस, वो उनको टाइफाइड हो गया कल, सो हम परसों इनफैक्ट, तो हमने उनके टेस्ट वगैरह करवाने को उनको बोला कि भाई प्लीज़ हम सबसे मिलने से पहले, अपने फैमिली से मिलने से पहले अपने टेस्ट वगैरह करा लो। एंड फॉर्चुनेटली टिल नाउ इट इज़ लाइक कि उनको पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, विच वी प्रे कि ना हो। सेकेंड, हमारे एक और जो साथ में राइडर जा रहे थे, उनकी वाइफ थी, उन्होंने बेबी को अभी इस दुनिया में लेके आई हैं, तो इट वॉज सपोज टू बी डन या तो जल्दी या बाद में, बट वो एकदम अभी हुआ तो उनके साथ हम अभी नहीं जा पा रहे हैं। सो दो भाई हमारे ऐसे अलग हो गए कि भाई हम नहीं जा पाएंगे। उसके बाद हमको सब लोग इन एंड अराउंड बोल रहे थे कि यार ये पर्टिकुलर रीज़न है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो वेदर है बहुत ही सेड टू बी फेवरेबल है इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है यार, वी शुड कंसिडर इट एंड वी हैव कंसिडर्ड इट। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बोला कि यार मत करो, थोड़ा सा ठीक है रुक के चले जाओ, चले जाना, कोई मना ही नहीं है। एंड प्लस हमारे वो जो दो भाई थे उन लोगों का भी बहुत मन था, तो हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि विल नॉट बी गोइंग। हमारी जो बुकिंग थी दैट दे आर नॉट रिफंडेबल, सो वी हैव गॉट इन टच विद द पीपल हु ओन्स द रिसोर्ट एंड ऑल। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, आप लोगों के प्यार की वजह से ना हर जगह हमारा काम बन जाता है। उन्होंने हमारी बुकिंग को क्रेडिट कर दिया है, हमें आगे दे दिया है, हम अब जब भी जाना चाहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के फ्रेम में हम कभी भी जा सकते हैं। वी जस्ट हैव टू इन्फॉर्म देम प्रायर कि भाई अवेलेबल हो रूम्स या नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सो फार सो गुड। एंड एक और जगह जाने का प्लान है, वो उसके बाद है, उसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली, बिकॉज वो बिल्कुल सेट रहता है हमेशा मेरा कि ये चीज़ तो करनी ही करनी है। काफ़ी लोग तो समझते हैं इस चीज़ को। एंड यस, आज तो हेलो MG हो गया, हेलो TenR हो गया, हेलो माया, हेलो काया, सो मतलब बिल्कुल
life is going smoothly and at the same time being through various ups and downs. मतलब बंजी जंपिंग वाली लाइफ हो गई है, कभी बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से जाती है और कभी एकदम से पीछे खींच लेती है. तो बस यही है जिंदगी, इससे चीजों को सीखते हुए चलो एंड यू नेवर नो व्हाट इज देयर फॉर यू. एंड होप यू गाइस आर स्टेइंग सेफ, यू गाइस शुड स्टे सेफ. ये जो मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं दे आर नॉट मैड. आप लोगों को अगर मास्क मिलते हैं डू टेक द मास्क, डू पुट इट ऑन योर फेस, प्रिवेंट टचिंग ईच एंड अदर. इनफैक्ट अपने मुंह को भी हाथ मत लगाओ, जितना कम हो सके उतना कम करो. सैनिटाइजर यूज़ करो, अगर सैनिटाइजर मार्केट में नहीं मिल रहा है देर आर वेरियस थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कि भाई आप सैनिटाइजर घर में कैसे बना सकते हो या उसके सब्सिट्यूट में क्या कर सकते हो. बहुत हो गया आज की वीडियो में, इतना ज्ञान मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर, सी यू.